जनपद में सोमवार को विद्यालय खुलने पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की पत्नी डॉक्टर हेमलता रवि कुमार ने बनकटी चक प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों में मास्क, पेंसिल, रबर व चॉकलेट का वितरण किया, जिसके संबंध में डॉक्टर हेमलता रवि कुमार ने बताया कि इस प्राथमिक विद्यालय को एक फाउंडेशन की तरफ से गोद लिया गया है और कोविड के बाद बच्चे पहले दिन स्कूल आए हैं, जिससे बच्चों में काफ़ी हर्ष है। उन्होंने कहा कि पहले दिन से ही अध्यापक छात्रों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि बच्चों की छूटी पढ़ाई को पूरा करवाया जा सके और यहां एक फाउंडेशन के द्वारा काफ़ी काम हुआ है और आगे भी इस संस्थान के द्वारा विद्यालय को सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के साथ ही सभी बच्चों में मास्क, स्टेशनरी, चॉकलेट का भी वितरण किया गया है। इस अवसर पर फाउंडेशन की अध्यक्ष सीमा छपाड़िया, आशीष छपाड़िया सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर हेमलता रवि कुमार ने कहा, और आज जैसा कि रवि कुमार जी हमारे साथ हैं, तो एक नई आशा फैमिली की तरफ से आपका बहुत बहुत वेलकम मैम। थैंक यू सो मच कि आपने डॉक्टर भी हैं आप, तो सही में सीमा भाभी से बोलूंगी कि आप ओम चैंटिंग करें प्लीज। आर्ट ऑफ लिविंग को फॉलो करते हैं, इस करके कोई भी चीज करते हैं तो पहले तीन बार गुरु ओम चैंटिंग, फिर गुरु वंदना करते हैं। तो कर लें तो सभी लोग आंख के बंद कर लें ओम के लिए। Yeah.
तरफ से यहाँ पे बच्चों को ये गवर्नमेंट स्कूल को अडॉप्ट किया गया है। तो यहाँ पे बच्चों अब पहला दिन है कोविड के बाद, इतने दिनों के बाद इतने बच्चे सब यूनिफॉर्म में आए हैं, अच्छा लग रहा है देखने में। और पढ़ाई के ऊपर भी बच्चे ध्यान दे रहे हैं, टीचर्स भी बहुत मेहनत करके सिखा रहे हैं यहाँ पे। और आशा के तरफ से भी काफ़ी काम उन्होंने किया है यहाँ पे। और बच्चों को पढ़ते हुए देखने में ही बहुत अच्छा लग रहा है, और आगे भी ये है कि इस एनजीओ के तरफ से और बच्चों को प्रोत्साहित करके उसको अपने मंजिलों की तरफ पहुंचने के लिए सहायता करके निवेदन है। थैंक यू। बच्चों के लिए अभी आज कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए एक तो मास्क वितरण किया है सब बच्चों को, और मास्क की हाइजीन के बारे में सब बच्चों को समझाया गया है। और बच्चों का मन बहलाने के लिए उनका स्टेशनरी और चॉकलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। काफ़ी दिनों बाद विद्यालय खुले, काफ़ी उत्साह भाई। काफ़ी दिनों के बाद, इतने दिन एक्चुअली बच्चों का पढ़ाई में थोड़ा पीछे ही हो गया है, उसको कैचअप करने के लिए अभी शुरू करना है थोड़ा सा तेज़ी से। और बच्चों को रेगुलरिटी में बुला के स्कूल्स को चालू करने के लिए बच्चों को एंथुजियाज़म और उनको माता पिता के तरफ से भी मतलब सपोर्ट चाहिए कि ड्रॉप आउट ना हो स्कूल में। और यहाँ जैसे भी पढ़ाई एक स्कूल में अच्छा हो जाते हैं, बच्चे अपने आप आने शुरू हो जाते हैं, बच्चे माता पिता भी भेजना शुरू कर देते हैं। सो उस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी एक नई आशा और गवर्नमेंट की तरफ से है।